सिद्धार्थ सोलंकी अभी मीडियम पेसर हैं सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ 130 प्लस बॉल फेंकते हैं। और सिद्धार्थ सोलंकी दिल्ली से अंडर 14 क्रिकेट खेले हैं 3 साल पहले अंडर 14, और ये एस्टर पब्लिक स्कूल के ही स्टूडेंट रहे हैं और अभी एस्टर क्रिकेट एकेडमी का पार्ट है। और इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं ये, और इनका एक्शन, इनका फॉलो थ्रू, सब चीज़ बहुत अच्छा है। तो आप क्या कहेंगे एकेडमी के बारे में सिद्धार्थ? पहले तो अफजल सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे हमेशा स्टार्टिंग से सपोर्ट करा है जब से मैं आया हूँ। मतलब 2017 में सर के पास आ गया था, जब से सर ने मुझे फुल सपोर्ट दिया है हमेशा मेरे लिए। मतलब सब फैसिलिटी मुझे मतलब कराई है और सब हमेशा मेरी हेल्प करी है। मैं मतलब जितना भी श्रेय अपना मैं सब 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 सर को कहना चाहता हूँ, क्योंकि सर ने हमेशा मुझे बैक करा है स्टार्टिंग से। और मैं दिल्ली से अंडर 14 खेला हूँ 2018-19 सीजन में, और 16 स्टैंड वायर हूँ 2019 और 20 सीजन। स्पर्श जैन और स्पर्श फिरोजाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, और स्पर्श यहाँ पर स्पेशली ग्रेटर नोएडा के अंदर एस्टर क्रिकेट अकेडमी के स्टूडेंट हैं और पिछले 2-2.5 साल से लगातार यहीं पर मेहनत कर रहे हैं। और स्पर्श आज से मतलब 17-18 के सेशन में यूपी से अंडर 16 की क्रिकेट खेले हैं, और यूपी से ही ट्रायल वगैरह यूपी से ही खेलते हैं ये, और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं बहुत अच्छे। स्पर्श क्या कहेंगे आप अकेडमी के बारे में, अपने बारे में, हमारे बारे में, ग्राउंड्स के बारे में, विकेट्स के बारे में? मैं स्पर्श जैन हूँ और काफ़ी टाइम से यहाँ पर रेस्टर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा माहौल है। अफजल सर से काफ़ी सपोर्ट मिलता है, विकेट्स काफ़ी अच्छी रेडी होती है, ग्राउंड की मेंटेनेंस बहुत अच्छी रहती है, ग्राउंड्स मैन टाइम टू टाइम अच्छे विकेट बना के देते हैं, अच्छा रोल करके देते हैं, और मतलब आगे भी लगा रहूँगा यहीं पर ही और कोशिश करूँगा यहाँ से ऊपर क्रिकेट खेलूँ। इज़ कार्तिकेय राज, और कार्तिकेय इसी साल अंडर 14 खेला है यूपी से, ये ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है, बहुत अच्छा पेसर भी है और बैट्समैन है, लेफ्टी बैट्समैन है। और कार्तिकेय मेरे पास पिछले 3 साल से खेल रहा है। तो कार्तिकेय बेटा कैसा लग रहा है आपको एस्टर क्रिकेट अकेडमी का हिस्सा बनने में, और ये विकेट्स, नेट्स और ये सारी फैसिलिटीज़ जो कि आप यूज़ कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, सारे तरह के नेट होते हैं यहाँ पे, और ऑल द कोचेज़ आर वेरी गुड, एरा सर, राजीव सर, मनोज सर, और आपने फिटनेस पर मेरा बहुत काम किया है, राजीव सर, एहराज सर और मनोज सर ने बैटिंग पर बहुत ध्यान दिया, एहराज सर ने बॉलिंग में काफ़ी सुधार दी मेरी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगता है। विकेट्स के बारे में कुछ कहोगे कार्तिकेय? सर विकेट्स एकदम मतलब बहुत अच्छी हैं, लाजवाब, सारी तरह की विकेट्स मिलती हैं, क्या कहते हैं, फ्लैट विकेट मिलती है, ग्रासी विकेट मिलती है, बहुत अच्छे बॉलर्स आते हैं अकेडमी ऑल ओवर इंडिया, बहुत अच्छा यहाँ पर सिनेरियो है और बहुत अच्छी क्रिकेट है। जब कार्तिकेय मेरे पास आए थे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार्तिकेय का वेट अभी ये डबल था, और अभी ये ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल आधे हो चुके हैं और बहुत फिट हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जिम हम बहुत हाईटेक बनाने जा रहे हैं एस्टर, और हमारे पास अच्छा फिटनेस ट्रेनर है, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड मिस्टर सूरज, फिजियोथेरेपिस्ट भी यहाँ पर है अकेडमी के अंदर, बॉलिंग मशीन है, स्पीडोमीटर है, फ्लड लाइट्स हैं, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो प्लीज़ मैं खास करके गर्ल्स बॉयज़ दोनों को ही कहूँगा कि आप एस्टर के बच्चे मैक्सिमम आएँ और क्रिकेट खेलें, और पूरा अपना जो हमारे स्कूल का पूरा ग्राउंड है, विकेट्स हैं, और हमारा सपोर्टिंग सारा स्टाफ है, प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल सर, और हमारे कोऑर्डिनेटर्स और HOD स्पोर्ट्स मिस्टर भीम सिंह त्यागी, सारे लोग लगे हुए हैं कि स्पोर्ट्स में बच्चे और आगे जाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने यहाँ से प्रोड्यूस किए हैं बच्चे, इंडिया प्लेयर निकला है दिव्यांश जोशी, अभी ध्रुव जुरैल यहीं से अभी खेल रहा है, राजस्थान रॉयल्स में खेल रहा है, अंडर 19 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन थे, वो एस्टर क्रिकेट अकेडमी के स्टूडेंट थे। तो अभी बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ से निकल रहे हैं, और बस मैं यही कहूँगा, खास करके मैं गर्ल्स को स्पेशली फोकस करना चाह रहा हूँ कि गर्ल्स मैक्सिमम आएँ, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में गर्ल्स बहुत कम क्रिकेट खेल रही हैं, दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रही हैं, आगरा में बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, सभी जगह हो रही है, गर्ल्स यहाँ पर क्रिकेट नहीं खेल रही। तो प्लीज़ गर्ल्स आप लोग आओ और क्रिकेट इन्जॉय करो। थैंक यू वेरी मच।